अभी कर रहे हैं हम लोग शूट, और हमारे फ्लैट का सबसे बेस्ट रूम यही है शूट करने के लिए। लाइटिंग भी सबसे बेस्ट आती है, फ्रेम भी सबसे अच्छा यही वाला है, क्योंकि बाकी रूम्स में क्या थोड़े से छोटे हैं और थोड़े से मैसी बैकग्राउंड है, लेकिन फ्रेम सेट एकदम। ये देखो ये मेकअप कर रही है। अच्छा ये शर्ट वैसे सुयश क्लोथिंग का है, बहुत पसंद है शर्ट, तो ये आप चेक कर सकते हैं। काफी सारे शर्ट एक साथ लॉन्च करने की वजह से ना कुछ शर्ट आपकी नजरों से मिस हो जाते हैं, उनमें से ये शर्ट एक है, हो सकता है शायद अगर आपने नई शॉप किया हो तो या नहीं देखा हो तो, क्योंकि मेरा वन ऑफ द फेवरेट शर्ट है ये। सेम बिल्कुल। और अभी ये आज थोड़ा सा शॉपिंग करने चलते हैं यार, जींस ट्राउजर वगैरह लेकर आने मुझे, क्योंकि जो पहले लाया था ना वो अभी काफी दिन हो गए लाए हुए, उनको पहन पहन के मैं बोर हो चुका हूँ। थोड़ा सा नीचे की साइड तो ट्राउजर वगैरह पहनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। चलेगा, लोमिया को भी लेके जाना है आज। कहाँ पर? डोसा खिलाने, उनकी फरमाइश आई है मम्मी होगी। यस चलो, तो मम्मी को डोसा खिलाने लेके चलेंगे। क्या बोल रहे हो आप? टंकी खाना नहीं खाते हो? टंकी खाना खाते तो है, टंका खाना नहीं, कम खाते हैं हम लोग खाना। हम लोग को आज डांट लगाई हमारी कुक आंटी ने कि सब पतले दुबले हो रहे हो, ढंग से खाना नहीं खाते हो। और सुन भाई, मम्मी के लिए शाम को डोसे के लिए चलना ले लो। आंटी कैंसिल है खाना, आप जाओ, डोसे के लिए जाएंगे। आंटी छाप की उट्टी हो गई। मैं डांस करूंगी कूदूं। हेलो आंटी, प्लीज हमारे आंटी के बताए हमारे सबसे ज्यादा मजे हो जाते हैं। आती है छुट्टी, बाय। अभी बनाया जा रहा है लेमन सोडा, खाने की तो आंटी की छुट्टी है क्योंकि आज हम लोग का प्लान है बाहर डोसा खाने जाने का, तो अभी सिर्फ लेमन सोडा बना के जा रही है आंटी। आंटी बार बार बोलती है कुछ तो काम करवाया करो, यहाँ पे बुलाते हैं मुझे। अच्छा वैसे आप सभी को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं, एकादशी की शुभकामनाएं और साथ ही ईद मुबारक। मेकुड़ी अपनी प्यास रोक के बैठी कि भाई अगर नींबू पानी बन गया अच्छा तो ठीक है, नहीं बना अच्छा तो तू क्या कर लेगी? पानी पीना पड़ेगा। काय में दिया? मग्गा। मग्गा में दिया आपको? या तुम लोगों ने फ्लेवर कैसे डलवा लिया इसमें ऊपर से? काला खट्टा। मैं तो नॉर्मली पीऊंगा, उसका तो वॉफल चल रहा है। नहीं वो ये सब नहीं पीता, वो सिर्फ बस खाता रहता है। इतनी देर से मैं बात कर रही हूँ, अच्छा तू भी शरबत पी रही है और धनु भी शरबत पी रही है। अरे धनु भी बोल रही हूँ मैं। अंकल है क्या? अंकल काम काज जैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। आप क्या कर रहे हो? ये तो मजे कर रहे हैं अंकल, तो वहाँ पर कोटा में अंकल हमें याद नहीं कर रहे बिल्कुल भी। घूम रहे हो आप? मैंने देखी आपकी स्नैप आई थी मुझे, किसी के साथ घूम रहे थे आप? माई गॉड, नो एक्सक्यूजेस। दो पे दो, दो पे, लेकिन ये हर बार एक्सक्यूज बनाता है। एक दिन लेट आ गया आप चांद भैया, मैं अकेले सब बना के खा लेती, मैं कुछ बुलाती ही नहीं। बताओ ईद का चांद आ जाए बना खाने में, अभी मुझे ऑफर किया तो मुझे आपको तो मैंने बोला कि मंगा दूं क्या, मैंने थोड़ी बोला बनाया। प्रिविलेज यार भाई, यार देख इसके दो चार घोंसले ईद का चांद आएगा, देख आ गया ना ये, नो एक्सक्यूज। कैमरा बंद हो, उसके बाद बात करेंगे यार। पता है इसकी ना टी शर्ट भी चल फाइनली चेंज हुई, लेकिन ये पजामा चेंज नहीं होगा। एक्स का है। हाँ सही बात है। तो दोस्त पता नहीं क्या, पता नहीं मैच वैच खेल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, ऐसे लोग हैं मुझे पता भी नहीं है यार। ऐसी बात बताओ यार, यार क्या तू भी खेलेगा? नहीं। क्या गेम खेल रहे हो तुम यार? ये भाई मैच देख रहे, तुम कैसे पैसे कमा रहे हो? गलत बात है भाई, ऐसे यार मुझे समझ में आ रहा है इनकी फनी वीडियो की, इनको पैसों कैसे मिल रहे हैं यार? फनी वीडियो एकदम से, फनी वीडियो देख के बोल रहे हैं। होता ना कि वीडियो 10 मिनट तो देखो 2 रुपए मिलेंगे, देख रहे हैं। सही बात है। दोस्तों अगर ये कालू और हितेश ये कुछ गाड़ी वाड़ी ले आए तो मैं उसका खुलासा करूंगा कैसे आई है। ये तो मुझे गिफ्ट मिली है, हमें क्या पता तुझे कैसे गिफ्ट मिली। अगर तूने मुझे देकर खुद को दिलवा लिया तो मुझे क्या नहीं पता, नहीं मेरी, क्या मुझे मेरी किस्मत पे भरोसा है? नहीं सकता बताना भाई। टैलेंट बता रहा हूँ, पैसे कमा लेते हैं बैठे बैठे 3-3 मिनट में। भाई कितनी मेहनत लगती है, पता है? बिल्कुल लगती है, स्ट्रेस भी लगता है, वो फ्रेश होने जाता है, 20-20 हजार रूपए लग जाते हैं इसके यार भाई। अरे इतने स्ट्रेस में क्यों हो तुम दोनों? वही क्या बोल रहे यार, रुक जा, मैं कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रही हूं भाई। रेड दोस्तों ये पता नहीं क्या उल्टे सीधे गेम खेल रहा है, रेड पे लगाना है भाई। क्या हो गया? नहीं मैं 100 रुपए लगा, 100 रुपए लगा, 200 रुपए कमा लेता।
100 रुपए और जीतेंगे ना तो अपन चले 70 रुपए कोल्ड ड्रिंक लाएंगे, 30 रुपए चिप्स लाएंगे। भाई भाई पार्टी है मालिक का इतना खर्चा कर ही रहा तो 5 रुपए के चिप्स भी ले लेना, 30 रुपए का ले लेना भाई। स्ट्रेस रुक जा भी तुम यार। भाई पता है बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पता नहीं कौन सी गाड़ियों की। मेरा गिफ्ट डेली 100 रुपए लगाएगा, 200 जीत। शर्म कर शर्म, एयरपोर्ट्स नहीं आए मेरे अभी तक। अब आएंगे, अब आएंगे। कितने के 12,000 डिवाइड कर 100 से भाई, हफ्ते भर में भाई ट्रिक अभी पता चली इसको। हाँ अभी 3-4 बार जैसे अगर मैं जीत जाऊंगा तो फिर 1,000 लाएंगे ना सीधा। दोस्तों जीत गया जीत गया जीत गया, नया फ्लैट कब ले रहा है? 100 रुपए जीत गया भाई। इतने दिन तो गलत करिए ना, ऑप्शन दे दिया हम लोग। शर्म वरम आती है नहीं आई है, पानी भी पी जा मेरे फ्लैट का तू। भाई पैसों का पानी पिलाने से पुण्य मिलता है तेरा। और जो तू 2 किलो आटा खा गया वो तुम्हारे घर में कच्चा आटा खाते होंगे बिना रोटी बनाए। यार तू यार एक चीज बता, तेरे में मैनर्स क्यों नहीं है? मतलब तू आया है तो आराम से बैठ, तेरे को सर्व कर दे। मैनर्स उनके सामने आती है ना जिनके अंदर हो, मेरे सामने वालों के अंदर गई तो मेरे अंदर कहां से आई? अरे गाइस ये बदतमीज है बहुत ज्यादा, इसकी बात है ना, इसको बारीक बारीक आई इसको। ओके सोने की फिर आ गए हो? हां नींद से आने लग गए। बताओ अभी क्या बजे? सब 9:30। अरे दिन में ना ये बटबट करते हैं तो कारीगर नींद ही नहीं आने देते। अच्छा। इधर से और इधर से तो मम्मी की थी तबियत खराब तो मम्मी ने बोला मुझे खाना है दो। तो मम्मी वो बहुत ही कमजोर लग रहे हो। हाँ ना कमजोर हो गई ना मैं। अरे मैं भी, मेरा पेट बिल्कुल अंदर घुस गया, मेरे को पिछले एक हफ्ते से कुछ नहीं। तो डैडी मेरे को बोले मोटी हो गई मोटी हो गई मोटी हो गई मोटी हो गई, तो फिर मैंने खाना कम कर दिया। अब लेकिन अब पता है पहले से अच्छी लग रही हो अभी, मतलब वैसे कमजोर लग रही हो क्योंकि आगे नीचे काले गिरे हो तो तबियत खराब से, लेकिन थोड़ी ठीक ठाक अच्छी लगती हूँ। काले बहुत दिनों में आया हूँ। कालिया ले भाई कालिया कुछ। आंटी चला गया था बस इसी। मौसी नमस्ते। मौसी से वीडियो जा रही थी, बहुत ही याद आ रही। क्या हाल चाल मौसी नमस्ते? वो दिख ही नहीं रहा तू अंधेरे में, चमक रहा है एकदम। अच्छा अभी हम लोग आए हैं जूही दीदी के पास उनको ईद मुबारक बोलने के लिए। चले जूही दीदी के पास चले। चलो गाइस ईद मुबारक। कैसे हैं आप? हमारा पहले से इंतजाम हो रखा है, थैंक यू सो मच, इसी के लिए तो आए थे। ईद मुबारक। और यार बहुत अच्छी लग रही हो आप। आपको नहीं बुलाया आप? अच्छा हाँ उन्होंने सुयश बोला था टीम। अच्छा ये आजकल टीम में नहीं है, निकाल दिया मुझे अलग टीम में। ये एक सेकंड, ये राजस्थान रॉयल का नहीं है, लखनऊ सुपर जायंट्स का ये। देखो हमारे मेन्यू में क्या है आज, चने, इसमें खीर होगी, खीर सिवैया पूरी रख ले पूरी रख ले। देखो मेरे को धमकी दे रहा है पीछे से। मैंने क्या गलत बोला? अब यार सब देखो सबके सब राजस्थान को सपोर्ट करेंगे तो कैसे चलेगा, होने चाहिए ना लखनऊ को सपोर्ट करने वाले। अबे तो यार शरीर राजस्थान में, दिल तो लखनऊ में है। चलो गाइस खाना पीना हो गया, अब खाना हो गया, अब क्या हो जाएगा? ईदी पीना तो हो गया, पानी पी लिया। अरे वो उसको मत बोलो, वो मांग भी लेगा आपसे। गाइस ईदी लो ईदी। हर ईद आऊंगा मैं। साल में दो बार ईद होनी चाहिए। हाँ। अरे मम्मी रह गई। क्या बोला? अरे ले लो ले लो, बाद में दे देना। जेब है भाई मेरे पास भी, बैंक में रख दो, सबसे ज्यादा अच्छी बैंक बड़ी बैंक है, इसमें नहीं रुके तो वो रख लेगी। ये डूबत खाता बैंक, इसमें रख दो। चलो गाइस दोस्तों अब हम आ चुके हैं डोसा पार्टी के लिए, मम्मी को लेकर आए हैं और बाकी वो लोग पूरे गाड़ी में बैठे पहुंच गए वो लोग भी। गाइस कृपया गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी करें, पार्किंग में कर दी खड़ी कार पार्किंग, गाड़ी व्यवस्थित पार्किंग लाइन में तो लाइन में खड़ी है ना। सही। ये लोग गाड़ी में क्यों बैठे हैं? मुझे लगा इन लोगों ने निकल के ऑर्डर दे दिया होगा। क्या हुआ? 5-10 मिनट लगेगी इसलिए हम गाड़ी। मैं जब भी सोचूं अंदर कैसे बैठा तो था ही नहीं मेन्यू में, जानू तो बुलाते नहीं। पता है ना आपको बिजी है वो आजकल, तरक्की कर रहा है इसलिए बिजी हूँ। तरक्की पे है, तरक्की कर रहा हूँ। मेरा दोस्त अकेले मूवी देखने चला जाता है, अकेले पूछता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है। अगर किसी को पूछो नहीं यार मैं बिजी हूँ, अब बिजी रहता है इतना। मैच के लिए पूछा नहीं तेरे से? मैच के अलावा बात कर तू है? उस दिन मूवी के लिए पूछा था मैंने तेरे से, चैट पढ़ी भी बता दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं भी। कौन सी मूवी के लिए? अभी चैट कर, खाने की बात करा कर। चल भाई यहाँ से, ये पूरी रात तुम्हें सोने नहीं दे रहा। अरे तो पानी है।
अरे पागल हो गए अंकल, अंकल ये देखो आपके पीछे से आपकी पत्नी, ये देखो पार्टियां कर रही है। भाई पार्टी पार्टी हो रही है अंकल, आप कोटा हो इस खुशी में। सब सामोसे पार्टी हो रही है अंकल, आ जाओ। अच्छा अच्छा, आज बड़े आदमी आ गए क्या? बड़े आदमी अभी कभी कभी दर्शन दे दो, थोड़ा सा बिजी चल रहा है। बिजी बिजी आज बिजी है में। आज का ड्यूटी से ऑफ मिला दो चार दिन का, तो अभी आ गया। अंकल बाल बच्चों वाला आदमी हो चुका। ये देखो ये देखो तो मेन मुद्दे की बात आप मिस कर रहे हो ना, वो बिल्कुल मिस कर रहे हैं आपको। आज सब खा रहे हैं चीनी डोसा, आज पार्टी दे रहा है कालू। क्या बोला तुम, सुनाई नहीं दिया मेरे को। कालू दे रहा पार्टी भाई, पार्टी दे रहा है तू? ऐसे नहीं बोला था, था पार्टी दे रहा है कालू। दे दे, रिकवर करा देगा। मम्मी सोच रही है डोसा कैसा है। डोसा तो ऐसे लंबा सा आता है, दूसरा वाला है। हाँ ये अच्छा वाला डोसा है, ज्यादा नहीं देखा। खड़ा वही चीज देगा, आंसू पूछ लेना। पहले ले रखा था हाथ में टिश्यू पेपर, ठीक है आ गया। ओके टाटा। आज भाई इस मीकू ने जितना डोसा खाया रहा था तो किसी ने नहीं खाया। खाती गई खाती गई। गाइस एक्चुअली उसमें टेस्टी था ना इसलिए। ये हमारा दोस्त फ्लैट पे है और जब से आया तब से सिर्फ अपने फोन में लगा हुआ है, पता नहीं किससे बातें कर रहा है। मैं इसी की रील देख रहा हूं। लाइक शेयर कमेंट करना इस पे। तेरे को नींद आ रही तो सो जाना। सो लिया, 12 बज रही है, सो लिया चैन से। रात भर तो सोने नहीं दिया किसी को, तू सो लिया चैन से। सो लिया जा, वो ठूस ले सारा खाना खा जाके। मेरा माय गॉड, ज्यादा डायलॉग बाजी कर रहा है क्या? चल ये ठूस ले खाना। इसीलिए तो मैं फ्लैट आ रहा हूँ, मुझे पता है ना यहाँ पे चीजें बहुत बड़ी बड़ी बनती है। तुमसे तो खत्म होती नहीं, तो मेरे को आना पड़ता है सब खत्म करने। पहले मैं जाऊँगा सबको उठा के आऊंगा। सब जग रहे हैं। गाइस यार मौसम देखो, एकदम से धूप आ रही थी और ये बादल वाला मौसम हो गया एकदम, पूरा पैक बारिश आने वाली ऐसा लग रहा है। हे भगवान, इस साल ये क्या चल रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा। कभी भी बारिश, कभी भी धूप। और टिपर है तो शादी में ज्यादा खा के आज। ये क्या लेके आया? ये इसके पास पड़ा था ना। हाँ इतना बड़ा खेलता ना मेरे को। नहीं मतलब मेरे पास पड़ा था, ले अब बोल तू, अब बोल रहे बोल। मेरे पर भाई मेरे पर इल्जाम लगता है गाइस, यहाँ पे इस घर में हर चीज का मेरे पर इल्जाम लगता है। उसका सबूत ये रहा आज, ये चीज आज देखो आपके सामने सच्चाई आ चुकी है। आज मैं एक उससे मुक्त हो चुका हूँ एक इल्जाम से। ये गिम्बली पता क्या बोल रहा है, तेरे पास पड़ा मेरे को टीपू के दिया। मेरे को यार बोल रहा नहीं तेरे पास पड़ा, तुम्हारी बात सुन लेता है। वो टीपू बोला था मुझे, मैं तो टीपू के फॉरवर्ड कर रहे थे पैसे। बस देख ले एक बार मेरा गिम्बल टीपू देख ले। मैंने कहा था ना ये 360 दोनों दिया था, देख ले। 360 मेरे पास था नहीं, 360 मेरे पास है क्या? इसके पास है, इसको दिया मैंने। मैं कब दिया? वो भी ढूंढ लूंगा, कार्ड डालूंगा, चुप रहे तू। 360 ढूंढ, मुझे नहीं पता तेरे पास है। ढूंढ फिर जा कालू भैया की जगह। ऐसे क्या क्या बन रहा है खाने में, ये सब सैलेड, मिर्ची, चुकी, प्याज, पापड़, सब्जी, सोया। वाह बस एक मीठे की कमी है भाई। बारिश आ गई और धुंध धुंध कैसे उड़ रही है? है मिट्टी उड़ रही है। हाँ वही 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 मिट्टी। चलते हैं वहाँ से जयपुर से। पागल हो गए सारे के सारे। अरे मिकुड़ी उड़ जाएगी, उड़ जाएगी। आप तो बाहर है ना, कोई आप ही नहीं उड़ोगे। मैं तू यहाँ रहेगा तो बिल्डिंग भी नहीं उड़ेगी, तू यहीं रहे। भाई वो मिट्टी देख कैसे उड़ रही है यार, मिट्टी है ये, देख ना मिट्टी उड़ जा रही है भाई। सही है बहुत। वो झूले पे से उसको देख, उसको देख, उसको देख। रो 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 दोस्तों। ये देख सकते हो आप, बारिश होती है, दिख रही होगी आपको। और ये भी लो लाइट, लो टीवी, मस्त है ना लाइट टीवी भैया। ऐसे करना
गाइस होटल में भी आके दोनों लड़ रहे हैं। और एक छोड़ूंगा किसी और जो मैं खाऊंगा नहीं, मेरे को बताओ वॉलनट ब्राउनी आलमंड्स। हमारा शूट हो गया है और हमने नए वाले कैमरा से शूट किया। मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब इतना ज्यादा प्यारा शूट हुआ। इतनी जल्दी हमने कभी अपना शूट रैप नहीं किया ना टिपुया, इतनी जल्दी कभी शूट हमारा रैप नहीं हुआ। फट 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 हमने टेक्स लिए, बहुत मजा आ गया, मतलब नेक्स्ट लेवल। और अब टीपू भैया का हो चुका है पेट पूजा, कैसे चप्पल पहन के रेडी हम लोग कैसे बैठे गाइस। मेरे ऊपर लाइट रख दी मेरे पीकू के ऊपर लाइट है क्या आगे 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 मोटे होने के भी फायदे हैं, आगे वाली सीट मिलती है। और वो बॉय चुप रहे, तो चुप रहे हैं, जा रहे हैं बॉक्स क्रिकेट खेलने के लिए फाइनली कई महीनों बाद। भाई आज तू हारेगा, अगर मेरा अगेंस्ट रहेगा तेरे से अपोजिट साइड रहेगा ना, तेरे साथ रहने का कोई सेंस ही नहीं है भाई। मैं साइड रहूंगा और अपन दोनों बैटिंग करेंगे, वैसे तो मेरी बैटिंग आने वाली नहीं है। पहले तू बॉक्स क्रिकेट खेलने जा, फालतू की चीजें करने जा, फिर तो पैर सो जाके आ जा। कैसे गिरा? अरे गिर गया यार, कूदा था वो पैर एकदम बाउंड्री के साइड में गया, वहां पैर मुड़ गया एकदम से। दूसरा वाला पैर दिखा, इस पे सूजन आ रही है और दर्द का हो रहा है यार, यहां से सूज गया। छोड़ यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं था भैया, बहुत ज्यादा सूज गया, बहुत ज्यादा सूज गया, देख तो बहन को सूज रहा है। फिर अब अगर देख आज तो रेस्ट करता हूं, कल डॉक्टर जाऊंगा यार। ले ले चल। फिर ऊपर तक कैसे है? इतने छोड़ के गया। ले उठो उठो। अरे तो इधर आना, इधर वाले पैर में लग गई है। सॉरी, तू संभाल लेगी क्या मेरे वेट? पता नहीं, चल या तो तू मुझे वेट डाल रहा हूँ, डाल ले थोड़ा तो। अरे इधर से उधर से रास्ते नहीं है ना, जगह ही नहीं है। कह कि मेरी सारा कम पड़ गया इसलिए बानू लेके जा रहा है। ये पैर ये देखो, पूरा पैर सूज गया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, स्ट्रेन जैसा दर्द हो रहा है, वो जो मेरे हुआ था। अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है, चटके चल रहे अंदर भयंकर। अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा इस पेन के साथ सोना, और ये मुझे नहीं लगता कि हफ्ते भर तक पेन जाएगा, क्योंकि मेरा पैर बिल्कुल भी मुड़ना बंद हो चुका है, सूजन और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर देखूंगा एक दो दिन अगर थोड़ा ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर के जाना पड़ेगा। हफ्ते भर जिम की छुट्टी? हाँ सब छुट्टी है भाई। खुश हो गई। अरे विश्रम। अच्छा गाइस, आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसमें दबाते नहीं है पागल, और ध्यान तो जाएगा, दबाएगी तुम्हें भगवान। गाइस आज के व्लॉग एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।